विधायक जी, जिस तरीके से भाजपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कल शिवपाल यादव के साथ मुलाकात की, ये खबर आ रही है, तो क्या ये माना जाए कि कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो भाजपा का दामन छोड़ के लोकसभा चुनाव के पहले कहीं समाजवादी पार्टी या महागठबंधन से तो नहीं मिलेगी? देखिए, ये तो व्यक्तिगत ओम प्रकाश जी की प्राइवेट कंपनी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हमारे श्रेष्ठ नेताओं ने जो सम्मान ओम प्रकाश जी को दिया है उनको जीवन में कहीं मिलने वाला नहीं है। यही सम्मान मायावती जी को दिया गया था तो पचा नहीं पाए, इनको भी दिया गया है, इससे बड़ा सम्मान मिले कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया और सम्मान के साथ पार्टी के साथ गठबंधन का जो है प्रस्ताव पारित करके गठबंधन का धर्म निर्वाह किया जा रहा है, भाजपा कर रही है। लेकिन इस व्यक्ति का संस्कार जो है हर जगह बोलता है, तो लगता है कि ओम प्रकाश राजभर का संस्कार भी बोल रहा है। वास्तव में हकीकत मानिए तो लोभ में कहीं भी जाने का स्वभाव यदि किसी का होता है तो जानवर कुत्ते का होता है। तो राजनीतिक लाभ के लिए, आर्थिक लाभ के लिए कहीं भी दौड़ के जाना, ये वास्तव में राजनीतिक कुत्तों का ही पहचान है। तो मैं तो यही कहूंगा कि यदि इस तरह का आचरण प्रस्तुत चाहे जो भी कर रहा है वो तो राजनीतिक कुत्ते के समान ही अपना आचरण और संस्कार प्रस्तुत कर रहा है। राजनीति लाभ के लिए नहीं होती, राजनीति भला के लिए होती है, समाज के भला के लिए होती है। और जो आदमी, जो भी लोग, कोई भी राजनीति करने वाला व्यक्ति केवल लाभ की बात सोचता है कि मैं विधायक बन जाऊं, मैं मेरा एमपी, मेरा बेटा विधायक बन जाए, मेरा बेटी विधायक बन जाए, मेरा पत्नी विधायक बन जाए, उसको राजनीतिक, मैं कहता हूं कि राजनीतिक कुत्ते के संस्कार वाला ही व्यक्ति है। कभी भी इस तरह की बात कोई करता है, राजनीति में जो है सेवा सर्वोपरि होना चाहिए और संघ के संस्कारों से संस्कारित। बाबतपुर हवाई अड्डे पर पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए आपका जैसा कहना है कि पार्टी उनको सम्मान दे रही है, लेकिन जिस तरीके का सम्मान उन्होंने आपको दिया और ये कहते हुए आपके ऊपर कटाक्ष किया कि हाथी चलती रहती है और कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो वास्तव में क्या कहना चाहेंगे? वास्तव में उसको जो है वो अपने बारे में कर, कुत्ते वहीं जाते हैं जिसको रोटी दिखाने पर दौड़ता है उसको कुत्ता कर, तो शिवपाल जी रोटी दिखाएंगे तो वहां दौड़ेंगे, मायावती दिखाएगी तो वहां दौड़ेंगे। भाजपा चूंकि सम्मान और सम्मान के साथ आपको प्रतिष्ठा देती है तो उसको रोटी अच्छा लगेगा, दिखाया और रोटी अच्छा लगता है। यदि ऐसा है तो मान के चलिएगा कि संस्कार असली तो कुत्ते का उनके पास है। जो लोभ के कारण राजनीति करता है उसको ना कुत्ता कहते हैं। जो सिद्धांतों के आधार पर जीवन और जवानी बिताने वाले लोग कभी भी राजनीति को गंदा नहीं करते, और लोभ के विधायक जी, जिस तरीके से आज आजम खां का बयान आया कि देश जो है मोदी जो है वो फिट हैं लेकिन देश अनफिट है, तो जिस तरीके से आजम खां लगातार कोशिश करते हैं एक अपने विवादास्पद बयानों के जरिए, इस बार उन्होंने पीएम पर अटैक किया, क्या कहना है आपका? देखिए, वो आजम खां नहीं, उसका नाम बदल करके हाजम खां रख देना चाहिए। स्वयं भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ व्यक्ति और हमारे मोदी जी पर किसी भी प्रकार का टिप्पणी करे, इसका मतलब मान करके चलिएगा कि वही हाल है जैसे जो है कोई बिल्कुल भ्रष्ट आदमी, अनैतिक आदमी, बल्कि बिल्कुल चारित्रिक दृष्टि से दुर्बल व्यक्ति किसी ईश्वर पर जो है छिटाकसी करता। इसलिए आजम खां, सच पूछिए तो उसका जो है भले ही शरीर भारत में है लेकिन उसकी मानसिकता पाकिस्तानी है। वो शुद्ध रूप से वही बात बोलता है जिसकी पाकिस्तान में रहने वाले लोग खुश होते हैं। अगर देश का प्रधानमंत्री अगर योग की बात करता है, देश का प्रधानमंत्री अगर अपना वीडियो जारी करता है योग करते हुए या फिर अपने शरीर को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करते हुए, तो क्या विपक्षियों को परेशानी है? ये समझ में नहीं आता आजम खान जैसे लोग क्यों आखिर में ऐसे बयान देते हैं। विपक्षियों को परेशानी इसलिए है कि आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी आप किसी शराबी को दूध का पूरा बोतल पिलाना चाहेंगे तो दूध के बोतल को लात से मार देगा, लेकिन पाउच की पैकेट एक दे देंगे तो प्रसन्न मन से आपको जो है जिंदाबाद बोलते हुए ले लेगा। ठीक वही हालत विपक्ष में काम करने वाले नेताओं की है। भोगी जो है योग की बात उसको अच्छा कहां से लगेगा,
जो 6 बजे के बाद होटल और बोटल में आयस करने वाले लोग हैं, होटल और बोटल की संस्कृति में आयस वो आराम करने वाले लोग हों, वो रोटी लंगोटी और योग और व्यायाम की बात नहीं सोचते। योग और व्यायाम की बात तो योगी सोचता है, भोगी नहीं सोचता है। तो ये राजनीतिक भोगी है सब, 6 बजे तक जो है राजनीति का ढोंग करते हैं सब, 6 बजे के बाद होटल और बोटल की राजनीति में चले जाते हैं लोग। मेरा पूरा विश्वास है कि आजम खां की हर गतिविधि को और हर उसको छापा मार करके जांच कराया जाए, तो इसकी जो है विदेश से पाकिस्तानी आतंकवादियों से इसका संगठन से इसका 60 गांठ होगा, प्रमाणित हो जाएगा और जांच होनी चाहिए। मैं मांग करता हूं कि आजम खां ओवैसी जैसे लोगों का जांच होना चाहिए, मुख्तार अंसारी ओवैसी आजम खां जैसे लोगों का जांच होना चाहिए। इन लोगों का सीधे आतंकवादियों संपर्क होगा, सीधे आतंकवादियों संपर्क होगा और इसका जांच जो है सीबीआई को दिया जाना चाहिए। मैं अपने शीर्ष अपने भाजपा के अपने शीर्ष सम्मानित नेताओं से मैं आग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं, इन समूह की जांच होनी चाहिए। इन समूह के खून में पाकिस्तानी संस्कार है, इन समूह के खून में आतंकवादी संस्कार है। ये जो है ये कहीं भी आप देखेंगे, ये विवशता में भारत और भारतीयता के संविधान में आस्था व्यक्त कर देते हो, लेकिन जिस दिन इनको आतंकवादियों की बंदूक की छाया प्राप्त हो जाए उस दिन आतंकवाद जिंदाबाद बोलेंगे और भारत की धरती को फिर वही आजम खां जैसा आदमी डाइंग बोलेगा, वो वैसी जैसा आदमी जो है महाडाइंग बोलेगा।